प्रदेश में बाबा योगी की सरकार है, यानी अपराध हुआ तो सीधे बुलडोजर चलेगा। लेकिन आज प्रदेश में जहां अपराधियों के घरों में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार नाकाम दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक सरकारी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्राइवेट चिकित्सालय में डॉक्टर यमराज की भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कासगंज की, जहां प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान प्रसूता की जान चली गई। दरअसल ये मामला कासगंज कोतवाली क्षेत्र के नगला का है, जहां एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर उसके पति ने उसे आशा के कहने पर अशोकनगर के सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। आरोप है कि इसी बीच सुमन को अधिक रक्त स्राव हो गया था, तबियत बिगड़ने पर परिजनों को मिलने नहीं दिया गया और बाद में ब्लड की भी मांग की गई। परिजनों ने ब्लड भी दिया, परंतु सुमन की तबियत में सुधार नहीं हुआ और उसने दम तोड़ दिया। मामला यह भैया कि हम सुबह मॉर्निंग में 4 बजे के करीब हमें ये लगा कि इनके आए थे यहाँ एडमिट कराने बच्चे की डिलीवरी के लिए। सुबह 7 बजे हमें ये पता चला कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के बाद 12 या 1 बजे करीब ये लगा कि इनको ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड भी अवेलेबल कराया। शाम को ये लगा कि अभी शाम को 7, 7:30 या 8 बजे करीब इनकी डेथ हो गई है। अब डेथ होने के बाद अभी कुछ हमें भी ये पता चल रहा है कि 8 बजे के करीब कि इनको 12 टांके आए हुए हैं, नॉर्मल डिलीवरी में 12 टांके कहाँ जाए। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिसर में जमकर हंगामा काटा। वहीं परिजनों ने डॉक्टर शैलेश यादव, डॉक्टर महिमा जैन सहित समस्त स्टाफ के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, ताकि इस तरह की लापरवाही किसी और मरीज के साथ घटित न हो। और इसमें किसकी लापरवाही मान रही हो? लापरवाही हमें हॉस्पिटल की सबसे बड़ी लापरवाही है, यहाँ डॉक्टरों की लापरवाही है। सिर्फ यहाँ पर डॉक्टर MBBS डॉक्टरों के थ्रू इलाज नहीं कराया जाता है, यहाँ सिर्फ नर्स और स्टाफ ही हॉस्पिटल चला रहे हैं। अब क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? ये डॉक्टरों की लापरवाही है, उसके कारण पेशेंट की मौत। अब क्या कार्रवाई करना चाहते हैं आगे? हम ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई चाहते हैं, ऐसे हॉस्पिटलों को क्लोज्ड किया जाए, आगे किसी की मृत्यु ना हो, किसी के बच्चे अनाथ ना हो, किसी के बच्चे ना पले। अस्पताल में महिला की मौत के बाद जहां परिजन लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सवाल भी उठने लगा है कि आखिर सरकार में इतनी सख्ती के बाद भी अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है। पंजाब केसरी के लिए काजगंज से विवेक रॉय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।